सर विपक्ष आर्थिक संकट की बात कर रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं आर्थिक संकट नहीं है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए एक कदम सरकार उठा रही है। पूरा देश जो है वो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देख करके चिंतित है और हम सब लोग भी उसमें शामिल हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ मुख्यमंत्री के बार बार इस तरह के वक्तव्य से। सुबह कहते हैं कि प्रदेश बहुत गंभीर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है और शाम को कहते हैं कि आर्थिक संकट है नहीं, हम जो है हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब अध्यक्ष महोदय जी से पूछा कि हमने 67 नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया था विधानसभा के अंदर क्योंकि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली। आज सितंबर की 4 तारीख इस पर मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए, पहले कहने लगे मैं जवाब देना चाह रहा हूं और बाद में कह रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। हैरानी इस बात को लेकर के है कि 2 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का होने जा रहा है, अभी भी जो भी जहां इनकी विफलता होती है, नाकामयाबी होती है, वहां दोष पूर्व सरकार को दिया जाता है और केंद्र सरकार को दिया जाता है। हमारे समय में भी इस तरह से हालात बहुत ज्यादा ऐसे नहीं थे कि आर्थिक दृष्टि से हिमाचल बहुत मजबूत था, लेकिन फिर भी हमने उस जिम्मेवारी को समझा और उस जिम्मेवारी का निर्वहन किया बतौर मुख्यमंत्री, बतौर फाइनेंस मिनिस्टर। हमने समय पर सैलरी दी, समय पर पेंशन दी और डीए की किस्तें जारी की, एरियर्स थे वो पेंडिंग उसमें बहुत सारी राशि दी, पेंशन जो भोगी हैं उनके बिल बहुत सारे पेंडिंग थे कर्मचारियों के, जो हॉस्पिटल के जो रिम्बर्समेंट के वो भी पेमेंट की। लेकिन आज की तारीख में हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते थे मुख्यमंत्री से कि आप तारीख तो तय कर दीजिए कि किस तारीख को, क्योंकि कर्मचारी रोजाना अपने मोबाइल पर मैसेज देख रहा है, पेंशन वो भी मोबाइल पर देख रहा है, मैसेज आया कि नहीं आया, पेंशन आई कि नहीं आई, सैलरी आई कि नहीं आई, तो उसके लिए तारीख निर्धारित कर दो। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 5 तारीख तक सैलरी देने की स्थिति में नहीं है। ये स्थिति प्रदेश के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। इसका मतलब है हिमाचल प्रदेश का आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, जिसको मुख्यमंत्री स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। विकास के तमाम सारे कार्य बंद कर दिए और जितनी जनहित की योजनाएं थी उन सबको बंद कर दिया, पेंशनर्स और कर्मचारियों को सैलरी। आज की तारीख में इस प्रकार के जो हालात बने, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है। इस बात को लेकर के इतनी गंभीर चर्चा चली हुई है, पूरा देश पूछ रहा है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में 2 साल की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आखिर क्या ऐसा क्या किया। ये सारी गारंटियां जो वादे किए थे, जो कमिटमेंट की थी इनने सत्ता में आने के लिए, आज कह रहे हैं कि हमको फ्रीबीज से बचना चाहिए, लेकिन सत्ता में तुम आए ही इस वजह से है क्योंकि आपने लोगों को झूठे आश्वासन, झूठी गारंटियां दे करके लोगों को गुमराह किया। सर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कर्ज का ब्याज बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया, इसको किस तरह से तर्कसंगत देखते हैं? हैरानी की बात है, आवश्यकता 2000 करोड़ रुपए की और वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ बचाएंगे, 3 करोड़ बचाएंगे। ठीक है, वो भी बचाएं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो उनको करना चाहिए, ये हमने भी की है ऐसी चीज़ें। और ख़ासतौर से जो ब्याज की लाइबिलिटीज, इस प्रकार की फाइनेंशियल लाइबिलिटीज उनको वही करने के लिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जवाब तो यहाँ बनता है उनका देना कि 2000 करोड़ रुपए अगर वो दे पाएंगे तो सिर्फ एक ही वजह है उसमें कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो 5-6 तारीख को मिलेगी, उस पैसे से दे पाएंगे। और उसके बावजूद भी ट्रेजरी से ये 750 करोड़ रुपए ओवरड्राफ्ट जो लिमिट है उस लिमिट के माध्यम से लोन लेंगे, तब 1200 करोड़ रुपए से सिर्फ सैलरी देने की स्थिति में हो पाएंगे। उसके बाद 10 तारीख के बाद मुझे लगता है कि ये पेंशन देने के लिए
जो केंद्र का जो शेयर का जो टैक्सेस का जो शेयर का हिस्सा आता है, सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर आता है, जब वो मिलेगा उसके बाद फिर 800 करोड़ रुपए का इंतजाम उसके बाद हो पाएगा। और कि आप इस बात को मान के चलिए कि पूरा का पूरा हिमाचल आधारित हो गया है केंद्र पर, केंद्र का RDG का पैसा है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा आएगा तो सैलरी दे पाएंगे, और केंद्र से सेंट्रल टैक्सेस का शेयर आएगा तो जाकर के जो है पेंशन देगी। ये भविष्य में लग रहा है कि और भी घेरा सकता है संकट, लगता है कि बहुत गंभीरता की ओर बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय। और सर, रीजन मानते हैं क्या? फ्रीबी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण। सर, जो जगत सिंह नेगी ने जो एक टिप्पणी की है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जगत सिंह नेगी जी के बारे में क्या बोले, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं, उनको आदत पड़ गई है कि ऐसी टिप्पणी करने जिस टिप्पणी से खबर बन सके, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी उनने की है। कुछ तो थोड़ा संयम रखना चाहिए, महिलाओं के बारे में हर जगह हर कहीं टिप्पणी कर देना, जहाँ वो अपना पक्ष ना रख सके वहाँ टिप्पणी कर देना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेकअप उतर जाएगा, फिर वो जो है वो कंगना की मां की तरह दिखेगी। क्या शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सर, उनके शब्द कार्रवाई का हिस्सा है, क्या विपक्ष एक्सपंज करने की मांग करेगा? हम बात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। जी सर, जी जी, विकास।